अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम नज़म हम की तशरीह करते हैं। सबसे पहले उसके शायर हफीज़ जलंधरी के बारे में कुछ अहम पॉइंट्स जो हैं वो मैं आपको बताऊंगी। शायर का नाम हफीज़ जलंधरी, सन पैदाइश आपके सामने है 1900, सन वफात 1982, और इनके इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ जो हैं तारुफ़ में, कौमी तराना जो है वो इनकी एक बहुत बायसे फ़ख्र तफरीक है, और इनकी किताब शाहनामा इस्लाम जो है एमसीक्यूज़ के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद अल्फाज़मानी की जानिब आते हैं। ये आपके सामने जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनके मीनिंग जो हैं वो राइट किए हुए हैं। पहला शेर है, उसी ने एक हरफे कुन से पैदा कर दिया आलम, कशाकश की सराए हाव हू से भर दिया आलम। शायर जो है हफीज़ जलंधरी अल्लाह ताला की तारीफ में बयान करते हुए कहते हैं कि अल्लाह ताला जो है वो कायनात का खालिक, कायनात का मालिक है, और उसकी सिफात जो हैं वो लातादाद हैं, अनगिनत और बेशुमार हैं। सबसे पहले वो कायनात की तख्लीक के बारे में बात करते हुए शायर कहता है कि सिर्फ एक लफ्ज़ कुन हो जा, तख्लीक हो जा, फयाकुन, और हो गई तख्लीक कायनात, और ये आलम जो है आवाज़ों से, खूबसूरती से, रंग से, चहल पहल से, रौनक से भर दिया। हज़रत आदम की तख्लीक के बाद सारी कायनात जो है उसको अपने नायब, अपने खलीफा इंसानों के लिए सजा और संवार दिया। सेकंड शेर है, निज़ामे आसमानी है उसी की हुक्मरानी से, बहारे जावदानी है उसी की बागवानी से। यहाँ पे दोबारा से शायर हफीज़ जलंधरी जो है अल्लाह ताला की अजमत, बुजुर्गी और शान को बयान करते हुए कहते हैं कि आसमान का निज़ाम, सारा सिस्टम आसमान का, चांद, सूरज, सितारे, जितनी भी गैलेक्सीज हैं उसका खालिक, उसका जो मालिक है वो कौन है? अल्लाह ताला की ज़ात, और उसी की बागवानी, उसी से मुराद है यहाँ पर रब्बुल इज़्ज़त, खालिक, मालिक यानी अल्लाह ताला। और दुनिया जो है वो एक बाग की मानिंद है, उसके अंदर जो बहार है, जो खूबसूरती है, वो सारी अल्लाह ताला की वजह से है, और वो बागवानी करने वाला है यानी निगेबानी करने वाला है। ये सारा रख रखाव, ये सारी खूबसूरती जो है ये हमारे खालिक, हमारे रब की वजह से है। ज़मीन पर जलवा आ रहा है मज़ाहर उसकी कुदरत के, ज़मीन पर जितनी भी कायनात में चीज़ें जो हैं वो दिखाई दे रही हैं, अपना जलवा दिखा रही हैं, अपनी खूबसूरती के मनाजर को पेश कर रही हैं, उसको बनाने वाला, उसका खालिक, उसका मालिक जो है वो हमारा रब है। इसमें भी शायर जो है अल्लाह ताला से अपनी मोहब्बत, अपनी लगाव जो है वो अपने रब से वो बयान कर रहा है कि ये जितने भी कायनात में मज़ाहर हैं, मसलन ऊँचे पहाड़ हैं, बहते दरिया हैं, और जितने भी मनाजर फितरत हैं, इनका जो खालिक है, इनका जो मालिक है वो अल्लाह ताला है। बिछाए हैं उसी दाता ने दस्तरखान नेमत के, दाता यानी देने वाला अल्लाह ताला की ज़ात के, ज़मीन जो है शायर ने तशबीह से काम लेते हुए इशारे में अलामत के तौर पर इस ज़मीन को एक दस्तरखान से तशबीह दी है कि जिस तरह इंसान दस्तरखान बिछाता है और तरह तरह के खाने जो है उस पर सजाता है, बिल्कुल ऐसे ही रब ने, खालिक ने, अल्लाह ने अपने नायब, अपने तमाम नौ इंसानी के लिए मुख्तलिफ किस्म के फल, फूल, दरख्त, चरिंद, परिंद, हवा, पानी, मौसम, ये सब ज़मीन पर दस्तरखान जो है इंसान के लिए सजा दिए हैं। नेक्स्ट, ये सर्दो गर्म, खुशको तर, उजाला और तारीकी, नज़र आती है सब में शान उसी ज़ाते बारी की। इसमें भी शायर जो है अल्लाह ताला की सिफात को या अल्लाह ताला की नेमतों का जिक्र कर रहा है, ऐसी नेमतों का जिक्र जिसका जिक्र खुद कुरान पाक में अल्लाह ताला ने किया है। मसलन सूरह रहमान में भी अल्लाह ताला ने अपनी नेमतों का जिक्र किया है कि तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे, और उन्हीं नेमतों में एक है सर्द और गर्म। सर्द से मुराद मौसम सरमा, सर्द इलाके, गर्म से मुराद मौसम गर्मा,
या गर्म इलाके, ये सब अल्लाह ताला की नेमतें हैं अपने मखलूक के लिए। उसके बाद खुश्क होता है, यानी कुछ ऐसे हिस्से जो खुश्क हैं, जो बंजर हैं, जो वीरान हैं, जंगल हैं, बियाबान हैं, और तर जहाँ पे पानी है, जहाँ पे समंदर है, जहाँ पे दरिया हैं, ये सब क्या हैं? अल्लाह ताला की नेमतें हैं अपने इंसानों के लिए। उसके बाद उजाला और तारीकी, ये शायर ने अलामतों के इस्तेमाल से अल्लाह ताला की सिफात को बयान किया है, यानी उजाला सूरज की रोशनी, दिन रात का आना और जाना, रात की तारीकी। गोया के अल्लाह ताला ने मौसम बनाए, कुछ गर्मी के मौसम, कुछ सर्दी के मौसम, कुछ इलाके ऐसे जो बंजर बियाबान हैं, वीरान और रेगिस्तान हैं, और कुछ पथरीले हैं, और कुछ मैदानी इलाके, और फिर उनमें सूरज की रोशनी जो है अपनी चमक दमक दिखा रही है, सूरज की किरणें जो हैं वो अपनी हुक्मरानी दिखा रही हैं। और उसके बाद तारीकी, रात की तारीकी, चांद की रोशनी, ये सब क्या है? ये अल्लाह ताला के औसाफ हैं, अल्लाह ताला की खूबियां हैं। नजर आती है कि इन सब में दिखाई देती है क्या चीज? अल्लाह ताला की हुक्मरानी, अल्लाह ताला की शान। यकीनन दिन रात के बदल बदल कर आने में अकल वालों के लिए निशानियां हैं, अलामतें हैं किस चीज की? कि इनको बनाने वाला, इनका खालिक, इनका रब, इनका मालिक कोई ना कोई मौजूद है, और वो कौन है? अल्लाह ताला की जात। नेक्स्ट, वही है कायनात और उसकी मखलूकात का खालिक, नबातातो जमादात और हैवानात का खालिक। इसमें शायद जो है नए सिरे से अल्लाह ताला से अपनी मोहब्बत, अपना लगाव जो है वो बयान कर रहा है, और अल्लाह ताला की जातों सिफात का तस्करा कर रहा है कि वही है। शायर ने लफ्ज वही है पहले लगाकर अपनी बात में शिद्दत पैदा की है, असर पुर तासीर बनाने के लिए कह रहा है कि वही है कौन? हमारा रब, हमारा खालिक, हमारा मालिक, जिसने ये कायनात बनाई, और फिर जितनी भी मखलूकात हैं, चरिंद परिंद हैं, इंसान हैं, हैवानात हैं, उनका भी रब जो है, उनका बनाने वाला जो है वो भी अल्लाह ताला की जात है। और कुछ ऐसी चीजें जो नबातात, जो पौधे, दरख्त, फल फूल, जड़ी बूटियां, उनका बनाने वाला भी कौन है? हमारा मालिक, हमारा रब, अल्लाह ताला की जात। और उसके बाद कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिनको जमूद है, जो साकन है, जो ठहरी हुई है, जैसे जमीन है, ईंट पत्थर पहाड़ है, चटियल मैदान है, इनका खालिक भी अल्लाह ताला है। उसके बाद हैवानात, बड़े बड़े जंगल के जानवर जो हैं, और परिंदे जो हैं, जो आसमान की फिजाओं में अपना रिस्क तलाश करते हैं, उनका बनाने वाला कौन है? अल्लाह ताला की जात। वही खालिक है दिल का और दिल के नेक इरादों का। अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया, अपने खलीफा को इस जमीन पर अपने नायब को उतारा, यानी इंसान को, और फिर दिल बनाया खालिक ने, और उसमें अच्छी सोच, नेक इरादे, अच्छी नीयत जो है वो उसके अंदर डाल दी। गोया कि अल्लाह ताला ने अपने बंदे को, अल्लाह ने अपने ताबे बनाने के लिए उसके दिल में अच्छी सोच, नेक इरादे जो हैं वो पैदा किए। और वही मालिक, वो ना सिर्फ हमारा मालिक है, वो ना सिर्फ हमारा रब है, हमारा हकीम है, बल्कि हमारे इस्लाफ का, हमारे बुजुर्गों का, हमारे बाप दादा का, हमारे अजदाद का वही मालिक था। बशर को फितरत इस्लाम पर पैदा किया जिसने, जिसने से मुराद अल्लाह ताला की ज़ात, कि अल्लाह ताला ने इंसान को यानी बशर को इस्लाम के मिजाज के ऐन मुताबिक पैदा किया, उसके अंदर ऐसी रूह फूंक दी जिसमें पाकीज़गी है, जिसमें तकवा है, रूहानियत है, और अल्लाह ताला से मोहब्बत और अल्लाह ताला से लगाव का जज्बा जो है वो मौजज़ंद है। मोहम्मद मुस्तफ़ा के नाम पर शैदा किया जिसने, जिसने से मुराद अल्लाह ताला, कि शायद कह रहा है अल्लाह ताला की सिफात को बयान करते हुए कि इंसान बनाया, इंसान के अंदर एक अच्छी सोच, नेक इरादे जो हैं, अच्छे ख्यालात जो हैं वो डालें, और उसके बाद एक आखिरी काम क्या किया कि अपनी मखलूक को अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि रहमतुल आलमीन और खातमुन नबीजीन हैं, इस रहमत दो आलम का शैदा बना दिया।
आशिक बना दिया, यानी अपने महबूब के आगे मोहब्बत करने का जज्बा जो है वो मुसलमानों के अंदर जो है वो पैदा कर दिया। स्टूडेंट्स, अशार आपके कंप्लीट हो चुके हैं। ये आपको मैंने पहले भी बताया था कि ये MCQs की फॉर्म में आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद ये वर्ड मीनिंग है, अल्फाज के मीनिंग जो हैं जब तक क्लियर नहीं होंगे तशरीह जो है वो वाज़ेह तौर पे नहीं समझ आ सकती। उसके बाद ये कुछ मैंने अशार जो हैं वो बोर्ड पे राइट किए हुए हैं, ये रेफरेंस के अशार हैं। मसलन अगर आपकी तशरीह जो है 5-6-7 लाइंस की आ रही है तो उससे रेलिवेंट शेर जो है यहाँ पे आप लिख सकते हैं। जैसा कि ये पहला शेर जो है, आप पहले शेर के लिए जो है इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये कायनात अभी ना तमाम है शायद कि आ रही है दमादम सदाए कुन फयाकुन। इसी तरह ये लास्ट वाला, ये सेकंड लास्ट, ये सब अशार जो हैं ये हवाले के अशार हैं रेफरेंस के। इसको आप लर्न कीजिए और अपनी तशरीह में हवाले के तौर पर इसको वहाँ पे राइट करें। अब इसकी एक्सरसाइज की जानिब चलते हैं। सबसे पहले है मुख्तसर जवाबात। मुख्तसर जवाबात की जो का मतलब है कि मैक्सिमम 2.5 जो है ना उस लाइन पे आपका आंसर जो है वो कवर हो जाना चाहिए। नंबर वन पे है कि अल्लाह ताला ने ये कायनात कुन हो जा कहकर बनाई है। सेकंड वन, पहाड़ दरिया हवा पानी आग मट्टी फूल फल अल्लाह ताला की नेमते हैं। नेक्स्ट, उजाले अंधेरे और खुशकोतर अल्लाह ताला के मजावर हैं। नेक्स्ट, हम्द में नबातात जमादात हैवानात और हमारे बाप दादों का तस्करा है। क्वेश्चन नंबर टू में है, ये मिसरे मुकम्मल करने हैं, इसमें होगा आसमानी मजाहर मखलूकात और बशर। उसके बाद है MCQs। राइट ऑप्शन होगा हफीज जलंधरी। सेकंड वन, हरफे कुन का नतीजा है। नेक्स्ट, खाली केक है। नेक्स्ट, इन सब से। नेक्स्ट, इन सब में अगेन। और लास्ट वन, इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शैदा किया। उसके बाद है आपका कॉलम, एक हरफे कुन आलम का पैदा होना बहारे जावदानी बागबानी से, बशर का पैदा होना फितरते इस्लाम, कायनात का खालिक बिछाए दस्तरखान नेमत। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, आपके मतजाद अल्फाज हैं, MCQs की फॉर्म में आपको आ सकते हैं। कमर गर्म खुश उजाला मखलूक और सयाह। इसके बाद आपके हम एराब हैं। एराब जो हैं वो आपके सामने इधर लगा दिए गए हैं, ये MCQs की फॉर्म में आपको आएंगे। उसके बाद हम आवाज अल्फाज यानी के राइमिंग वर्ड्स जो हैं, नबाता जमादा हैवाना शैदा पैदा हुक्मरानी और बाबा। थैंक यू सो मच।